इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को डबल हेडर के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। 6 मैचों में 5 हार के साथ 8वें नंबर पर मौजूद हैदराबाद की कप्तान बदलने का फैसला किया है। इस मुकाबले में डेविड वार्नर की जगह केन विलियमसन टीम की कमान संभालेंगे। जीत की स्थिति में हैदराबाद 7वें या 6वें स्थान पर पहुंच जाएगी। वहीं राजस्थान हारी तो वो फिर से फिसड्डी टीम बन जाएगी। अब तक सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करने वाले डेविड वार्नर ने पिछले मुकाबले में हार के बाद अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की थी। उन्होंने अर्धशतक जरूर जमाया था लेकिन लय में बिल्कुल भी नहीं थे। सनराइजर्स ने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा कि राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में टीम की विदेशी खिलाड़ियों की कॉम्बिनेशन में बदलाव किया जाएगा, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि खुद वार्नर को बाहर बैठना पड़ सकता है। ऐसा होता है तो उनकी जगह जेसन रॉय को जॉनी बेयरस्टो के साथ ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के पास विदेशी सितारों की कमी है। बेन स्टोक, जोफ्रा आर्चर और लियाम वेंगस्टोन्स को न होने से टीम का बैलेंस अच्छा नहीं दिखता। काफी ज्यादा उम्मीदें कप्तान संजू सैमसन से और जोस बटलर के कंधों पर होंगी।